नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम बीटरूट से एक कंटिनेंटल टाइप डिश बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको हम छील के ऑलमोस्ट 3 to 4 millimeter का गोलाई में इसको कट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कितनी मोटाई में इसको काट रखे हैं। थोड़ा सा अनइवन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 to 4 mm में कट कर लिया मैंने। अभी हम इसको पिकलिंग करेंगे, तो पिकलिंग के लिए मैंने बाउल में करीब 1/2 liter, जितना आपका अमाउंट है, अभी मेरा जितना है ये कम से कम 200 ग्राम का है बीटरूट, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 से 300 ml वाटर ले रही हूँ और उसको बॉइलिंग करने से रख देती हूँ। देखिए पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जैसे कि साबुत धनिया, साबुत जीरा, ये मेथी, थोड़ा सा बिल्कुल ही सौंफ। अब इसमें डालेंगे थोड़े से गरम मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता, थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। और ये थोड़े से खड़े मसाले, ये ब्लैक पेपर, क्लोव, लौंग और ये हरी इलायची, इसको भी डाल देते हैं। और इसमें है स्टार अनीस एंड बड़ी इलायची और थोड़े से दालचीनी, इसको भी डाल देते हैं। और अच्छे से इसको फ्लेवर आने के लिए कुक करेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे जो हमने बीटरूट इसको कट करके रखा था, इसको भी डाल देते हैं, ताकि इसी को ही हमें फ्लेवर देना है। अभी कम से कम ये कुक होंगे 7 to 8 minutes के लिए, नहीं ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये सॉगी हो जाएंगे। हमें सॉगी नहीं चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए ये। देखिए दोस्तों, इसको पकाते हुए 3-4 minutes हो गए हैं। हमको टोटल इसको 8 to 9 minutes पकाना है, जितना मैंने मोटे कट करा है। अगर आप इससे भी पतला कट कर रहे हैं तो और भी कम टाइम पकाना है, 5 to 6 minutes। तो मैंने जितना थिकनेस में काटा है उसके लिए 8 to 9 minutes इज एनफ। तो अभी देखिए 3 मिनट हो गए हैं। अभी मैं डालूंगी इसमें अजवाइन और लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट। अभी इसमें डालेंगे विनेगर, जैसे कि मैंने कहा था इसको पिकलिंग करना है हमको, तो मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर इसको ओवर कुक करने के लिए प्रोटेक्ट भी करेंगे और इसको पिकलिंग फ्लेवर भी देगी। तो इसको विनेगर मैंने 20 ml के आसपास डाल दिया है। तब इसको कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये। मेरे ऑलमोस्ट 9 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं इनको निकाल देती हूँ एक एक करके। देखिए बिल्कुल ही क्रिस्पी है। अगर आप ये ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे ना, पकड़ भी नहीं पाओगे इसको। तो छलनी में इसको एक्स्ट्रा वाटर हम ड्रेन करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, मैंने इनको एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन करने के लिए रख दिया है। और ये जो वाटर बचा है दोस्तों, इसको फेंकिए मत, ये मसालेदार पानी है। आप इसको आटा गूंदने में, दाल में या फिर चावल में भी डाल सकते हैं, कलर भी आ जाएंगे चावल की और फ्लेवर भी आ जाएंगे, तो इसको थ्रो नहीं करना है। दोस्तों, जब तक बीटरूट एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो रहा है, तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर गार्लिक को एकदम बारीक चॉप करके रखा हुआ है। इसको हम बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन तक इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये तो ऐसे ही दोस्तों मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। देखिए गार्लिक को हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अभी इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा क्रीम चीज़। आप इसमें एक दो ऑप्शन है, आप इसमें क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं या फिर दही को, ऐसे ही फ्रेश दही को पूरा हंग करके फ्रिज में मैंने रख लिया था। इसको ऐसे ही छलनी में डाल के, कपड़े में डाल के इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था। तो आप आइदर ये यूज कर सकते हैं या अगर आपके पास रेडीमेड आपके यहाँ अवेलेबल है तो क्रीम चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों अवेलेबल है, लेकिन आज मैं क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से जितना आपको अमाउंट चाहिए वो ले लें।
कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप ब्रेड में भी स्प्रेड करके खा सकते हैं। बच्चों को इसको टिफिन में दे दें, ब्रेड में इसको स्प्रेड करके, ये वाली जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। जो क्रीम चीज़ है बहुत ही टाइट वाला है, तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मलमल के इसको मिक्स करें। तो इसके साथ कुछ और हम इसमें हर्ब्स ऐड करेंगे, जैसे कि फ्रेश धनिया, फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना। पुदीना पत्ता को बारीक चॉप करा है, पर थोड़ा सा ही डालना है इसको। और इसमें चिली फ्लेक्स टेस्ट के हिसाब से, इसमें ज़्यादा स्पाइसी तो चाहिए नहीं, तो थोड़ा सा डाले हैं। और यहाँ पर हमने जो ओरिगानो होता है, सीजनिंग होता है पिज्जा का सीजनिंग, वो मैंने डाला है यहाँ पर। सॉल्ट, इसमें जो क्रीम चीज़ है इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप हंकड़ यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें उसमें, बिल्कुल ही थोड़ा सा। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों अगर ये रेसिपी मुझे मेरी पसंद आ रही है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से या सब्सक्राइब शेयर कर लें। तो देखिए दोस्तों मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, बहुत गाढ़ी है। इसका टैंगीनेस को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे, और वो स्प्रेड भी अच्छे से होने के लिए टेक्स्चर इसका अच्छा मिल जाएगा, स्प्रेडिंग टेक्स्चर। तो देखिए दोस्तों ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। देखिए ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, इस तरह का टेक्स्चर होना चाहिए। तो अभी हम इसको अरेंज करते हैं। एक प्लेट लेते हैं, इस यहाँ पर एक बीटरूट रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा इसका स्प्रेड रखेंगे। इस तरह से अल्टरनेट करके हम इसको लगाते चलेंगे। जितना लेयर चाहिए आप उतना ही लेयर का, ज़्यादा ऊंचा भी ना करें। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही बना दिया है, और दूसरा और एक बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट हो गया है। चारों तरफ से स्प्रेड नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको तो ऑलरेडी स्प्रेड करना है, इसको स्प्रेस करेंगे ना तो ये ऑलरेडी आपका हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। इसके ऊपर और एक पीस रख लेंगे। तो दोस्तों इतना हमारा सेम हाइट के दोनों हो गए हैं, तो ये काफ़ी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऊपर से भी डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से मैंने डेकोरेशन कर लिया है थोड़े से पुदीने के पत्ते से। इसके ऊपर आप सर्विंग करने के लिए इसके साथ आप ये कोई पापड़ी है, पापड़ी भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे पापड़ भी दे सकते हैं। इसको इस तरह से इसको सर्विंग के लिए दे सकते हैं आप, या फिर ये पापड़ी है, पापड़ी या फिर पापड़ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बीटरूट का कॉन्टिनेंटल स्टाइल बीटरूट रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे दोस्तों। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से या सब्सक्राइब शेयर कर लें। थैंक यू।